भैया जो आश्रम मूवी की शूटिंग हुई थी यहीं हुई थी ना? जी जी पम्मी का जो कमरा बताया गया था वो कौन सा था? ये वाला था। ये वाला। तो आंटी ये मकान आपका ही है ना? हाँ। ये जो उन्होंने मतलब जो पैसे से आपको कुछ रेंट रेंट दिया था इसका मतलब यहाँ पे शूटिंग करने का? हाँ। कितने रुपए दिए लगभग? तो दोस्तों ये है होटल कोहिनूर पैलेस। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? दोस्तों आप लोग देख रहे हैं आश्रम सीरीज का ये तीसरा एपिसोड है। हमने दो एपिसोड और बना रखे हैं शूटिंग लोकेशन के, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके उनको आप देख सकते हैं। और आज मैं आया हूँ उस गांव में जिस गांव में पम्मी का यानी परविंदर जो लड़की का नाम है उसको पम्मी पम्मी बोलते हैं, उसका जो घर दिखाया जाता है और उसके भाई की जो बारात निकाली जाती है वो इस गाँव से निकाली गई थी। एक बार दिखा दीजिए घुमा के, ये रास्ता जो है ना इस रास्ते से थोड़ा सा आगे जाएंगे ना अंदर की तरफ तो पम्मी का घर है और हम अभी उधर ही जाने वाले हैं और वहाँ पे जो सीन लिए गए थे वो आपको दिखाने वाले हैं। तो हमारी इस वीडियो में आप लोगों को आज हम दिखाएंगे ये जो पम्मी है इसका घर दिखाएंगे और मुख्यमंत्री आवास दिखाएंगे। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच गया हूँ उस घर के पास जो आश्रम वेब सीरीज में पम्मी का घर दिखाया गया है। यही वो घर है जो पम्मी का घर दिखाया गया है आश्रम वेब सीरीज में। और ये जो ऊपर आपको कमरा दिख रहा है यही वो कमरा है जिसमें पम्मी रहती थी। तो एक बार आप मैच कर सकते हैं दोस्तों। एक सीन यहाँ से शूट किया गया है जिसमें आप देख सकते हैं ये जो टीन आपको दिख रही है इसको सजाया गया था फूल डाल के और ये वाली जो छत है इस पे लोग वाग बैठ के खड़े होके देख रहे थे और बारात तो इसी घर से निकली थी इस वाले से। और ये जो पड़ोस का ये है पम्मी का घर और ये वाली जो हौदी आपको दिख रही है पानी वाली ये भी आपको दिख रही होगी। यहाँ पे ये गोबर डाल रखा है इन्होंने, ये उसमें भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो वो सीन यहीं से लिया गया है दोस्तों। एक सीन यहाँ से शूट किया गया है जिसमें जो बराती लोग होते हैं यहाँ पे डांस कर रहे होते हैं इस जगह पे और पीछे से उस घर से बारात निकली होती है। तो वो वाला सीन आप मैच कर लीजिए, वो सीन यहीं से शूट किया गया है। भैया जो आश्रम मूवी की शूटिंग हुई थी यहीं हुई थी ना? जी जी। पम्मी का जो कमरा बताया गया था वो कौन सा था? ये वाला था। ये वाला। तो ये पहले बना हुआ था या वो उन्होंने ही बनवाया इस कमरे को? उन्होंने ही बनवाया। शूटिंग कितने दिन चली थी यहाँ पे? शूटिंग एक महीना तक चली है। अच्छा, शूटिंग लगभग कब हुई थी? वही नवंबर नवंबर में। नवंबर मतलब दीपावली में। अच्छा दीपावली के टाइम हुई थी, एक साल हो गई लगभग। जी जी हाँ, दीपावली मतलब दीपावली दो तीन दिन पहले से चालू। अच्छा, तो ये वाला कमरा उन्होंने ही बनवाया था? जी जी। चलिए दोस्तों, ये वाला वो कमरा है जो पम्मी का दिखाया गया था। एक बार अंदर से दिखा देता हूँ मैं, ये फिल्म वालों ने बनाया था और फिलहाल तो पूरा खाली पड़ा है। अच्छा, आप लोगों को देख के ये कमरा ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे सीमेंट और ईंट से ये बनाया गया है, लेकिन एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये कमरा जो है ये वैसे ही बनाया गया है, उन्होंने लकड़ी का बना हुआ है ये। एक बार देखो, बजा के दिखाता हूँ आपको। आ रही है ना लकड़ी वाली आवाज़? ये पूरा लकड़ी का बना हुआ है। ये जो खिड़की वगैरह है ये तो मतलब ओरिजिनल है, लेकिन ये पूरा लकड़ी का सेट बना हुआ है। तो आंटी ये मकान आपका ही है ना? हाँ। ये जो कमरा है ये प्लाई का बना हुआ है या ईंटे का? प्लाई। प्लाई का है। उन्होंने ईंटे का क्यों नहीं बनवाया? ईंटे का जल्दी मारा ना बनाया। अच्छा, उनको शूटिंग जल्दी करनी थी इसलिए उन्होंने नहीं बनवाया। आपसे क्या बोला था उन्होंने, प्लाई का ही बनाएंगे? हाँ, प्लाई बनाएंगे। उन्होंने मतलब जो पैसे से आपको कुछ रेंट रेंट दिया था इसका मतलब यहाँ पे शूटिंग करने का? हाँ। कितने रुपए दिए लगभग? 10,000 रुपए दिए थे। शूटिंग कितने दिन चली थी? एक महीना शूटिंग चली थी। 10,000 रुपए दिए थे? 10,000 अच्छा, एक दिन के 10,000 तो आपको पहले दे दिए। हाँ, और उसके बाद जितने दिन उन्होंने शूटिंग की तो एक दिन के 5,000 दिए थे। हाँ। यानी एक महीना चली तो उस हिसाब से उन्होंने 5,000 के हिसाब से दिए थे आपको। हाँ। चलिए, ये वाला जो कमरा है ये प्लाई से बना हुआ है, लेकिन आपको देखने में ऐसा फील नहीं हो रहा होगा कि ये प्लाई का बना हुआ है। और एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, जब पम्मी आश्रम के लिए जाती है ना रात में भाग के, तो वो इस वाली टीन पे यहाँ पे कूदी थी, ये वाला। लेकिन उस टाइम पे ये जो
लकड़ी पड़ी है ना कांटे वाली, ये नहीं थी, ये बंदरों की वजह से बता रहे हैं रख दी है। अच्छा ये जो ये वाली टीन है ये भी फिल्म वालों ने रखवाई थी पहले की? अच्छा उन्होंने रखवाई थी ये वाली। अच्छा पहले मेरे छाई रही तो ये वाला भी घर आपका ही है ना अंदर तक? अच्छा नीचे से ये वाला भी घर इन्हीं का है। और दोस्तों एक सीन यहाँ से लिया जाता है जिसमें जो पम्मी होती है वो अपने घर से निकल के जो आश्रम की तरफ जा रही होती है वो सीन यहीं से शूट किया है, जिसमें उसका जो भाई है वो पीछे से आता है शक्ति। आप एक बारी मैच कर सकते हैं, सीन पूरा यहीं से शूट किया गया था और फिर वो इस साइड चली जाती है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि पम्मी एक बस स्टैंड पे बैठी थी जो सनेतु जिस पे लिखा था, तो वो वाला बस स्टैंड यहीं पे बनाया गया था। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं यहाँ पे एक रेलिंग टाइप लगा दी थी और उसी पे ऊपर लिख दिया था सनेतु। पीछे आप लोग देख रहे होंगे जो प्रयाग लिखा है, हालांकि उन्होंने थोड़ा पीछे से लिया था, अभी रोड चल रहा है यहाँ पे तो मैं नहीं ले सकता वहाँ से। और आप लोग एक बार उसमें मैच कर सकते हैं, ये दोनों पोल दिख रहे होंगे बिजली के और इन पर ऐसे ही कलर हो रहा है, और ये वाला पोल भी आपको दिख रहा होगा, तो वो वाला सीन यहीं से शूट किया है। दोस्तों अभी आपने देखा था जो पम्मी का घर मैंने दिखाया था, और अभी हम आ गए हैं वहाँ पे जहाँ पे जो पम्मी का भाई है जिसका नाम शक्ति होता है, वो एक फैक्ट्री में काम करता है जो पुलिया फैक्ट्री होती है जिसमें पुलिया बनाई जाती हैं, यानी जो पुल नीचे डाला जाता है ना रोड के नीचे वो बनाई जाती हैं। तो मेरे पीछे यहाँ पर ये है पुलिया फैक्ट्री। एक बार ये जो गेट है ना ये वाला, यही गेट है अंदर की तरफ, तो अभी हम अंदर चलते हैं और वहाँ पे जो सीन लिए गए थे वो आपको दिखाते हैं। दोस्तों एक सीन यहाँ से शूट किया गया है जिसमें आप लोग देख सकते हैं यही कुछ नज़ारा है, पीछे वाला टीन सेट आपको दिख रहा होगा और ये वाला पेड़ आपको दिख रहा होगा। फिलहाल ये पेड़ सूख गया है, पहले ये हरा था, और एक पेड़ ये भी आपको दिख रहा होगा, और आप अगर गौर से देखेंगे तो वो यहाँ से लिया गया था ये वाला जो है ना, ये वाला डंडा, ये भी आपको दिख रहा होगा यहीं से वो सीन लिया गया। और फिलहाल तो क्या है पीछे यहाँ पे ये तार लगा दिए हैं जिससे मैं जा नहीं सकता, तो सीन यहीं से शूट किया गया था। दोस्तों ये है यहाँ का नज़ारा और एक सीन यहाँ से लिया गया है, ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला सामने वाला, ये ऑफिस दिखाया गया है जिसमें जो शक्ति होता है वो इसी में रहता है। और एक बारी दिखाते हैं अंदर, इसमें बैठता है वो इसमें। और एक चीज़ आप मैच कर सकते हैं, ये जो घड़ी आपको दिख रही है ना ये यहाँ पे है ऐसे ही, और इसको पहले इस दीवार पे यहाँ पे लगाया गया था, ये देख सकते हैं। अंकल ये जो आश्रम सीरीज आई थी इसकी शूटिंग यहाँ पे हुई थी ना? हाँ। यहाँ पे कौन से सीन लिए गए थे? यहाँ पे मशीन का लिया गया था, ऑफिस का लिया गया था, और यहाँ मशीन का लिया गया था। अच्छा ऑफिस वो दिखाया गया ना जो लड़की का भाई इसमें काम करता है, ये वाला ऑफिस दिखाया गया था इधर, पम्मी का भाई जो शक्ति होता है वो काम करता है यहाँ पे, ये सीन लिए गए थे ना। और कौन सा लिया गया था यहाँ पे? और यहाँ उसके भाई दो तीन आए थे जो मारे थे उसको, उसके भाई को जो मारते हैं जब वो पेमेंट लेके निकलता है ऑफिस से। अच्छा ये वाले से कितने दिन तक यहाँ शूटिंग हुई थी? यहाँ तो दो दिन हुई थी, दो दिन शूटिंग हुई थी। तो दोस्तों अभी मैं पहुँचा हूँ उस जगह पे जो आश्रम वेब सीरीज में जो मुख्यमंत्री का आवास दिखाया गया है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है होटल कोहिनूर। तो अभी आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ और फिर अंदर जो सीन लिए गए थे वो आपको मैच कराता हूँ। तो दोस्तों ये है होटल कोहिनूर पैलेस और ये इसका गेट है। एक बारी मैं अंदर चलता हूँ और अंदर चल के जो सीन जहाँ लिए गए थे वो आपको मैच कराता हूँ। तो यहाँ से चलते हैं, और जो सीन लिया गया है वो यहाँ से कहीं से शूट किया गया है। एक बारी मैच करा देता हूँ मैं, यहाँ से कहीं से शूट किया गया है, लेकिन उसमें क्या था कि ये जो आपको देख रही है ना ये जो मूर्ति, इसमें फव्वारा चल रहा था और यहाँ पे गमले लगाए गए थे जिसमें पेड़ पौधे या फूल वगैरह दिख रहे थे, तो वो सीन यहीं से लिया गया है। एक बारी आप स्क्रीनशॉट में मैच कर सकते हैं, यहीं का वो नज़ारा है।
तो इसी पैलेस को दिखाया गया था मुख्यमंत्री आवास। एक बार अभी पूछते हैं उधर एक गार्ड साहब हैं जिनसे अभी मैंने परमिशन ली थी, तो उनसे भी एक बार पूछ लेते हैं। वो तो यहाँ से बहुत दिनों से ड्यूटी कर रहे हैं, तो पूछते हैं एक बार। तो गार्ड साहब, यहाँ पे आप कितने दिनों से रह रहे हैं? लमसम 14 जून से मैं यहाँ आया था। 14? आपके सामने आश्रम जो सीरीज की यहाँ शूटिंग हुई थी क्या? नहीं, मेरे सामने। तो आपने सुना यहाँ पे हुई थी ना? हाँ। अच्छा, मतलब आप उसके बाद आए हैं? हम बाद में, अभी हमको दो तीन महीने हुए। दो तीन महीने हुए हैं और सीरीज को तो लगभग एक साल हो गई यहाँ पे शूट हुए। हाँ, शूट हुए। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सीन लिए गए थे वो मैं आपको दिखा चुका हूँ और अब हम जाएंगे दूसरी लोकेशन पे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं आपको नई वीडियो में नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।